माँ चौका बल्तन कलती थी, बाप ताई बेचता था। तो चाय वाला का बेटा 85,000 करोड़ के विमान चढ़ेगा, बाप मरे अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। मशरूम खाए मोदी जी, आ कर्जा हो गया हमरे ऊपर आपके ऊपर। मोदी जी 10 लाख का सूट पहना, आ कर्जा हो गया हमरे ऊपर, हम तो नहीं पहने। हम तो 5 लाख का बूट नहीं पहने, हम तो 1.5 लाख का चश्मा नहीं पहने। भारत का कौन सा जनता पहना बताइए? माल महाराज के मिर्जा खेले होली, आपने जिनसे खुजली होता है। बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल, आपका पतंजलि का पेट्रोल इतना बड़ा सीसी में, इतर के सीसी में मिलेगा, गाड़ी में डाल दीजिएगा 200 किलोमीटर चलेगा। रामदेव सलवारी बाबा जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, लाखों बरस पुराना, हिमालय की गोद से, हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा। बकवास करे जा रहे हैं, गरीब को देगा गरीब को देगा। अरे 12,770 करोड़ रुपया अडानी के माफ कर दिए, देश में मोदी जी की नज़र में सबसे बड़ा गरीब अडानी है। देश को बर्बाद कर रहे हैं। जब भी टीवी खोलिए, जब भी पेपर खोलिए, देखिएगा तो पता चलता है कि पता नहीं सरकार ने कहां से किस नाम पर डकैती डाला, पॉकेटमारी की, यही नहीं पता चला, ठेली दे रहे हैं। अरे भैया आप कहते हैं, आप मीडिया वाले, माँ चौका बल्तन कलती थी, बाप ताई बेचता था। तो चाय वाला का बेटा 85,000 करोड़ के विमान चढ़ेगा, बाप मरे अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। देश के आदमी बॉस नहीं है, ट्रेन नहीं है, और अपने लिए चाहिए सोने का लंका, सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम चालू कर रहे। भैया देश की अर्थव्यवस्था, आप श्रीलंका 93% पर श्रीलंका में हाई तोबा मच गया, हम मात्र क्या कदम दूरी है भैया, हमारे यहाँ 85% तक GDP का हम लोन ले चुके हैं। मशरूम खाए मोदी जी, आ कर्जा हो गया हमरे ऊपर आपके ऊपर। मोदी जी 10 लाख का सूट पहना, आ कर्जा हो गया हमरे ऊपर, हम तो नहीं पहने। हम तो 5 लाख का बूट नहीं पहने, हम तो 1.5 लाख का चश्मा नहीं पहने। भारत का कौन सा जनता पहना बताइए? माल महाराज के मिर्जा खेले होली। आपने गधा जन्म छुरा लिया, पूरा विश्व का भ्रमण कर लिया, देश का पैसा ले लेकर, और हम सब पूरा देशवासी पर कर्जा ले लिया। आप अपना सब आदमी के टीम के साथ में बैठ कर देश लूट रहे हैं। वही बाबा लाला रामदेव सलवारी बाबा जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, लाखों बरस पुराना, हिमालय की गोद से, हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा, के पास नमक आया, नमक सरने लग गया, जिनसे खुजली होता है। बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल, आपका पतंजलि का पेट्रोल इतना बड़ा सीसी में, इतर के सीसी में मिलेगा, गाड़ी में डाल दीजिएगा 200 किलोमीटर चलेगा। अब क्यों नहीं है? अब उसको क्या हो गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया? ये कह रहे हैं, बात नहीं सुन तो लीजिए, वो क्या कह रहे, काम करिए, जब वो संत महात्मा हो के, जब 12 संत महात्मा है, 35,000 करोड़ रुपया का मालिक हो गया रामदेव, साधु के बेस में लुटेरा है देश में, एक एक रुपया में पूरा देश में जमीन ले लिया, ये लुटेरे हैं। जिस तरीके से रावण कालनेमी ने धर्म का आहार लेकर गलत काम किया, ये लोग साधु के आर में हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, देश को खोखला कर रहे। रुचि सोया गोल्ड में का जो पैसा है, कितना पैसा NPA किया गया है, माफ किया गया बता दीजिए आप, देश हित में है? अरे देश के बैंक का पैसा रामदेव का माफ कर दीजिएगा। फिर टैक्स भी तो जरूरी है ना, अरे टैक्स हुआ तो इसी बात को, अरे सुन रहे, रुचि सोया गोल्ड के नाम पर जो कंपनी पतंजलि से संबंधित है, उसके कितने पैसे सरकार ने माफ किए? भारत की कितनी जमीनें, अरे किसी देश के भूमिहीन लोगों को दिया है, आप बताइए ना। तो देश का पैसा, फिर वही बात, कहाँ देश का पैसा है? देश का पैसा, देश की आवाम का पैसा, अगर उस पैसे पर बाबा धर्म के नाम पर शिक्षा दान करता, स्वदेशी प्रोडक्ट बनाते हैं, स्वदेशी तो अपने अपने प्रोडक्ट बनाते हैं ना। ये सब मत समझाइए, स्वदेशी स्वदेशी कह के जो भी भारत में था, विश्व से भारत का व्यापार कितना बढ़ा, आप भारत की जनता को बता दीजिए। अरे फिर वही बात, वो कर को लेकर के, जब अरे कौन है भाई, भगवान के भाई है, सुनिए पहले सुनिए, लबरई करते हैं। भारत का जो बाहर से सामान आता है, वो व्यापार कितना बढ़ा है पता है आपको? आप गांव के देहात के भाषा में समझिए, सारा चीज़ बाहर देश से आता है, देश में अब नहीं बन रहा है कुछ, जो बन रहा था लगभग इकाइयाँ बंद हो रही है,
जहाँ भारत में सुई नहीं बनता था, हवाई जहाज तक थे, हवाई जहाज भी बेच दिया, रेल बेचने की तैयारी है, कोल इंडिया का सारे सब्सिडी को अलग अलग करके कोल इंडिया बेचने की तैयारी है, ताऊ सब आप नहीं दिखेगा दिखेगा मैं बाबा रामदेव की बातों को बड़ा करना चाह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं साइकिल लेकर सुनिए, दूसरी बार सुन लीजिए ना, बाबा रामदेव साइकिल से पहले चलता था, मट्ठा बेचता था, अब गाड़ी पर काहेला चढ़ता है? अरे अब गाड़ी पर काहेला चढ़ता है? जींस से खुजली होता था तो 3000 जींस के प्रोडक्ट काहेला लॉन्च कर दिया? अब नहीं खुजली हो रहा है? कल खुजली बंद हो गया है? शहद में चीनी मिलाकर बेचता है, 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, आपको नहीं पता है? सब फर्जी है, समझिए, धर्म के नाम पर धोखाधड़ी का व्यापार है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी वो बुलडोजर के लिए नई गाइडलाइन बना दिए हैं, कह रहे हैं गरीबों पे और गरीबों की जो दुकानें हैं उस पे नहीं चलाई जाएगी बुलडोजर। कौन है गरीब? अरे गरीब किसको कहते हैं आप? अंबानी अडानी को? मोदी सरकार इनके टीम का कैप्टन 20,00,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया था, वो पैकेज कहाँ गया? घुसालिया कहाँ गया 20,00,000 करोड़ सब बताइए, 1 रुपया 20 रुपया नहीं मिला किसी को। आप बकवास करे जा रहे हैं, गरीब को देगा गरीब को देगा? अरे 12,770 करोड़ रुपया अडानी के माफ कर दिए, देश में मोदी जी की नज़र में सबसे बड़ा गरीब अडानी है, अंबानी है, अनिल अंबानी है, विजय माल्या है, नीरव मोदी है, गरीब हम और आप थोड़े न हैं। बताइए किसको गरीब कहते हैं? तो योगी जी के जो 2.0 चल रहा है उससे खुश हैं कि नहीं? आप खुश हैं? नहीं, बता रहे हैं। वन में तो चल रहा था हिंदू धर्म के विपरीत, वन की सरकार में आपने देखा होगा कि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ दरिंदगी हुआ, हिंदू धर्म के विपरीत मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया, आपने देखा होगा अरुण वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, आपने देखा होगा तमाम उत्तर प्रदेश की घटनाएं आपने वन में देखी। दो में इंतज़ार कीजिए, समय सब कुछ दिखाता है, समय सबसे बड़ा बलवान है। अभी तो शुरुआत हुई है, जो पत्रकार ने वहाँ की घटना पर संज्ञान लिया उस पत्रकार के साथ क्या हुआ अभी कुछ ही दिनों की बात है। अभी लगातार लूट खसोट बढ़े हुए हैं, कभी किसी ज़िले में कभी किसी ज़िले में हो रहे, तो वह आपको दिखा। अभी इसी 2 की सरकार में आपने देखा एम्बुलेंस की कमी के कारण आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में ठेला पर लेके जा रहे थे तो उनकी पत्नी की मौत हो गई और वापसी लाश लाने के लिए भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुआ, 1100 रुपया देना पड़ा, तो इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है।